my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हाँ तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मुर्दुदा गेमर्स चैनल पे। तो आज मैंने एक फिर से एक न्यू आईडी परचेस की है जो कि है अपने 106 सर्वर में। तो चलो देखते हैं इस ये वाली आईडी कैसे होने वाली है। ये आईडी मुझे ख़रीदी हुए कम से कम 2 वीक हो चुके हैं, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता था कि भाई मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ और फिर कुछ आईडी में स्कैम बैम हो। तो इसीलिए मैंने सब चेक करने के लिए 2 वीक लगा दिए। तो ये सब कुछ बराबर है, कुछ भी वो नहीं है। तो चलो फटाफट से एंटर गेम करके देखा देता हूँ आप लोगों को। आईडी बहुत ही ज़्यादा ओपी है, मेरी दोनों आईडी से बहुत ही ज़्यादा ओपी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रही मेरी आईडी, तो ये देखो ये है मेरी आईडी, बहुत ही ज़्यादा ओपी आईडी। सिर्फ आप देखो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आईडी है मेरी। तो चलो आपको पहला तो अपना मेगा स्टील एक्स दिख ही रहा होगा स्किन वाला, तो ये है। और भाई मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ, पोकेमॉन वोकेमॉन क्या है सब। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया इस आईडी को परचेस करके, बहुत ज़्यादा ओपी आईडी है ये। सिर्फ देखो भाई पिछली आईडी से तो बहुत ही ज़्यादा ओपी है। तो मैं आपको पहला मेरा सबसे मतलब टॉप वाला पोकेमॉन दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा मेगा रेकवाज़ा। तो ये देखो ये है मेरा मेगा रेकवाज़ा, उसके स्टेट देख लो बहुत ज़्यादा मस्त है। और उसका इंटीमेसी आपको मैं दिखा देता हूँ, इंटीमेसी 88 दिया हुआ है, तो जो कि अच्छा ही है 88। और दूसरा और हाँ एक और बार मैं आपको बताता हूँ कि ये नॉन वीआईपी अकाउंट है, मुझे वीआईपी अकाउंट मुझे मिलते ही नहीं है वीआईपी अकाउंट। तो और इसका लेवल है 84 और उसका इंटीमेसी इफोर्ड वैल्यू है, उसका इफोर्ड वैल्यू इसने दे रखा है 630, जो कि अच्छी बात है। और दूसरा है होपा जो कि है 2 स्टार, भाई होपा 2 स्टार है भाई, बहुत ही ज़्यादा मस्त। और देख लो उसका इंटीमेसी आपको पहले से मैं दिखा देता हूँ, उसका इंटीमेसी 80 है और लेवल है 80, दोनों 80-80 है। और दूसरा है इफोर्ड वैल्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इफोर्ड वैल्यू है 603, तो बहुत ज़्यादा ओपी। और ये भी दे देते जितने भी हो, तो मैंने दे दिया। और दूसरा देख लेते हैं, दूसरा आपको पोकेमॉन दिखा देता हूँ, ये सब देख लो, इसका स्टेट बेट देख लो। और दूसरा पोकेमॉन अपना ग्रीन निंजा बाउंड है इसके पास, तो उसका पावर है 121, स्टेट देख लो लेवल है 81 और इंटीमेसी देख लो आप, इंटीमेसी इसने 87 दे रखा है इसको, जो कि बहुत ज़्यादा मस्त है। और दूसरा इफोर्ड वैल्यू दिखा देता हूँ आपको, 533 इफोर्ड वैल्यू। और हमेशा की तरह इंडिविजुअल वैल्यू सब पोकेमॉन की एकदम हाई है। और दूसरा है उसका लुगिया, जो कि मेरे पिछले अकाउंट में नहीं था, मुझे ये चाहिए भी था लुगिया, क्योंकि डिफेंस में बहुत ज़्यादा ओपी है। तो उसके देख लो उसका स्टेट देख लो, अटैक देख लो लेवल है 80, इंटीमेसी मैं आपको दिखा देता हूँ, इंटीमेसी है 71 और इफोर्ड वैल्यू है कितना है उसका 602, इसका भी 602 ही है। तो ये सब देख लो, इसके मूव बहुत ज़्यादा मस्त पोकेमॉन है। पॉकीडेक्स देख लो आप, पॉकीडेक्स उसका 80 है, जो कि 18 है, अच्छी बात है। और दूसरा भाई मेगा सीजार, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा ओपी है, 91 उसकी पावर है, स्टेट देख लो, अटैक देख लो 82 लेवल है, इंटीमेसी मैं आपको दिखा देता हूँ, इंटीमेसी 77 है, इफोर्ड वैल्यू उसने 429, जो कि इसकी कम है, लेकिन कोई नहीं कर देंगे। और दूसरा इसका पॉकीडेक्स 19 लेवल का, जो कि अच्छी है। और दूसरा है यही सब है, देख लो इसका पास म्यूटू भी है और 30 लेवल का है, उसका पावर 79 है, उसका स्टेट देख लो, उसके मूव्स देख लो, अटैक इंटीमेसी में आपको दिखा देता हूँ 51 दे रखी है। और इफोर्ड वैल्यू भी देख लो आप, इफोर्ड वैल्यू 482 है। और दूसरा रशीद ये है अपना स्केप्टाइल, देख लो 72 लेवल का है, 72 पावर उसकी और लेवल है 90। और देख लो इसका कन्वर्जेशन किया हुआ है उसने लिस्ट ब्लेड, इंटीमेसी मैं आपको दिखा देता हूँ, इंटीमेसी इसका बहुत ही ज़्यादा कम है, 80 है उसका, लेकिन भाई तो भी ये बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है। ये मेरी सेकंड टीम है ऊपर वाली, तो ये है मेरी सेकंड टीम ऊपर वाली, 2 पोकेमॉन को छोड़ के, ये और ये पोकेमॉन को छोड़ के मेरी सेकंड टीम है। और ये टप्पू बुलू है उसके पास, ये 2 स्टार है उसके पास,
इसका नाम चेंज कर दिया था उसने, लेकिन मैंने फिर से कर दिया तो वन स्टार ही आ पाया। तो रियल में एक्चुअली उसके पास टू स्टार है, ये देखो टू स्टार है उसके पास। और मूव देख लो, उसके स्टेट देख लो, इंटीमेसी मैं आपको दिखा देता हूँ, इंटीमेसी 8 है उसका, इसका भी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन भाई पावर बहुत अच्छी है। और इफोर्ड वैल्यू देख लो 541, बहुत ही ज़्यादा ओपी पोकेमॉन। और दूसरा रची रैम है इसमें भी, अब देख लो सब कुछ, इंटीमेसी दिखा देता हूँ, इंटीमेसी 43 है उसका और इफोर्ड वैल्यू 314 है। और दूसरा ये दोनों पोकेमॉन मेरे मेन नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही रखे, तो ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये भी इतना कुछ खास मिले तो आप तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ सब कुछ। तो ये तो हो गए अपनी अपने मेन पोकेमोन सब, और ये दो नहीं है लेकिन ये सब मेन है। और दूसरा चलते हैं अपने स्टोरेज में बहुत ही ज़्यादा ओपी पोकेमोन है। तो ये स्वीसून है, मेगा गेंगार भी उसके पास, और ये रेजिरास है, मेगा इसका क्या कहते हैं, मेगा पिंसिर है, चिचिरा जी है, फिर भाई मेगा बेड्रिल भी है। और दूसरा देख लेते हैं चारेजार्ड, मेगा गाड़ेवियर, और दूसरा है लेटियाज, और बहुत ही ज़्यादा मस्त मस्त पोकेमोन है। ये बूट्स मियाओ थे टू वाला, मतलब टू स्टार, और इनकी रॉड भी है उसके पास। और दूसरा देख लो आप सब, पिजियोटो है, स्किन है उसके पास उसकी, और टायरेनिटार है, उसको बहुत जल्द में मेगा करने वाला हूँ, आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी कि देखो मेरे पास इसको सिर्फ 10 चाहिए, बस 10 के बाद मैं इसको मेगा कर लूँगा। और दूसरा देख लेते हैं, दूसरा आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है उसके पास मेगा लुकारियो है, और कायोगर एक एक्स्ट्रा वाला, बस इतना ही। और स्टोरेज टू में इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन दिखा देता हूँ विप्लब पे पैनगोरो, ये देख ला स्टोरेज टू में। तो बस इतने ही पोकेमोन के स्टोरेज में, वैसे स्टोरेज वन में बहुत ज़्यादा ओपी पोकेमोन है, तो आप देख लिए। और मैं आपको बताता हूँ इस आईडी जब आई तो मैंने क्या क्या किया, तो मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ तो भी। तो मैंने सबकी स्किन्स लिए, जैसे कि स्टील एक्स की अभी मैंने ली, मतलब कल ली, और ये एरोडेक्टिल की मैंने मतलब पता नहीं कितने दिन पहले ली, लेकिन मैंने एरोडेक्टिल की भी एक परचेस की, और एक ये चिराची की भी परचेस की, और पिजोटो की भी परचेस की, क्योंकि भाई स्किन भी ना हुआ इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने परचेस कर ली। वैसे भी इसके पास पॉइंट बहुत सारे थे, एक इसकी परचेस की मैंने, और एक स्क्रैगी की परचेस की, बस इतने की इतने पोकेमोन की स्किन मैंने परचेस की। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से स्किन आप परचेस कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं आपको पहले दो ट्रिक है बस स्किन परचेस करने की, और सबसे ज़्यादा ओपी मेरा ये स्टील एक्स लग रहा है, मेगा स्टील एक्स स्किन के साथ बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ कि दो तरीके स्किन लेने के पोकेमोन की, तो वो है पहला तो भाई ग्लोबल इवेंट में ये दोनों पोकेमोन, तो देख लो ग्लोबल फाइट करोगे तो आप उसको उधर से स्किन ले सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप पहले इधर रुको नहीं, आप इधर रिवॉर्ड पे जाके खेलोगे तो इधर भी आपको स्किन आती है, पहले स्किन आती थी इधर, पहले इलीट में स्किन आती थी, लेकिन अब स्किन के जगह पे ऐसा पॉइंट आता है, तो ये आप खेल खेल के अपना रैंक बढ़ाओगे तो उससे आपको 1000 ऐसा मिलेंगे, और इससे आप स्किन ले सकोगे, आपको बस खेलना है और अपना रैंक है वो बढ़ाना है। और दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ही ट्रिक है वो, उसकी जगह पे वो जो स्किन मिलती है उसकी जगह पे ये पॉइंट आ गया इलीट में, आप पॉइंट से ऐसे परचेस कर सकते हो। तो ये पॉइंट मिल जाए तो आपको कहाँ जाना है, तो आपको जाना है स्टोर में। तो मैं आपको बताता हूँ, स्टोर में जाके आप इधर जाना है, ये को थोड़ा लोड हो रहा है, तो आपको इधर जाना है और मेडल में जाना है। तो ये देखो ये रही सबकी स्किन, तो अब देख लो इधर से ही परचेस करनी होती है, बहुत ही ज़्यादा मस्त वाली स्किन इधर मिल जाती है आपको, तो परचेस कर लो। और दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ऐसा है रोज़ रिफ्रेश होता है तो आप रोज़ अलग अलग स्किन ले सकते हो अगर आपके पास है तो। इसके पास टोटल 5K 6000 पॉइंट है ये वाले, तो मैंने इससे ये सब स्किन लिए, बाकी बहुत ज़्यादा मतलब आपको बस क्या करना है, आपको ग्लोबल बैटल रोज़ खेलना है और आपको रैंक बढ़ाना है, बस दूसरा कुछ नहीं करना है, तो आपको मिल जाएगी। और आईडी इसमें फैशन वैसन कुछ है नहीं आप लोगों को, तो भी मैं दिखा देता हूँ, सोर्स ऑफ आर्च लेवल 1 है, आप देख लो सब। और ये है मेरी आईडी, इसके पास फैशन माउंट कुछ नहीं है, वो तो कह रहा था भाई मैं तो कोई भी फैशन वैसन नहीं लेता,
तो मैंने सोचा भाई मैं ले लेता हूँ। तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा जब आईडी ली तभी मैंने ये वाला फैशन ले लिया था। किधर गया ये वाला, बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। ये आईडी थी तो मैंने लगा यही अच्छा लगेगा, तो मैंने ये ले लिया है। और उसके पास यही था जो अपना पुराना सबसे पहला वाला आता है, यही है उसके पास। तो मैंने ये वाला परचेस किया, ये देख लो, और ये मस्त वाला। और दूसरा है इसका माउंट पे तो एक भी जन नहीं है आपको, तो देखो कोई भी इसके पास की नहीं है। लेकिन मैं एरोडैक्टिल की लेने सोच रहा हूँ, क्योंकि एरोडैक्टिल पे अपना जो होता है वो बहुत ज़्यादा मस्त लगता है। एरोडैक्टिल नहीं तो फिर मैं हो नहीं है तो उसके पास मैं लेना सोच रहा हूँ चार्जार्ड की लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि चार्जार्ड पे भी बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है। तो सोचूंगा मैं, फिर आपको वीडियो भी मिल जाएगा स्किन परचेस करूँगा तो। और ये है, और दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ टाइटल में भी भाई इसके पास एनिमेटेड ट्रेनर तक ही है। और दूसरा है आपको मैं ये दिखा देता हूँ मिस्ट्री और ये सब, तो आप देख लो ये सब भाई 5th लेवल पे अपग्रेडेड है। तो बस इतना ही है भाई, आज की वीडियो में इतना ही था। बस मैंने आईडी ली तो मैं सोचा कि चलो भाई मैं आपको सबको दिखा दूँ। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट जाके लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मुर्तजा गेमर्स चैनल को अगर आप नए हो, और जो बेल की नोटिफिकेशन है वो ऑल पे कर देना। तो चलो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।